चल रहा है, ये पत्थर का बना हुआ है, ये पत्थर का बना हुआ, यहाँ से पानी चल रहा है। गाइस कश्मीर और भी जा रहे हैं हमारे साथ, तो वो सुबह के लगभग 10:30 के चला गए यहाँ से। तो उनको बोला था रास्ते रुको, मेरे को मैं अकेला हूँ, तो वो एक्चुअली रुके नहीं, उनके पास फ़ोन वगैरह भी नहीं है। कश्मीर सिंह भी गया है आज, तो मेरा भाई गया है अजय, और साथ में उनके साथ कृपाल गया। तो गाइस अभी हमें जंगल ही ख़त्म नहीं हुआ, इतना जंगल है ना, अभी तो पहला जंगल ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो लगभग भी 4-5 नाले क्रॉस करने हैं हमने। तो गाइस अभी हम उतरे बहुत ही डेंजर रास्ते से, तो अभी हम सामने आ गए, बिल्कुल ये पीछे हमारा ये वाला गांव है, ये है हमारा शिकारी का गांव। तो मैं थोड़ा कैमरा ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको, ये सामने शिकारी का गांव। तो हमने अभी जाना है ये सामने वाला एरो जो दिख रहा है, इस एरो के पास जाना है, तो इसके उस साइड जाएंगे हम, तो इसी तरह का एक दूसरा नाला आएगा, बहुत ही दूर से हम घूम के इस रास्ते से घूम के उधर जाएंगे हम टॉप पे, तो उसके बाद हमें दूसरा एक और नाला क्रॉस करना, तो फिर हम जाके पहुंचेंगे। ऐसे ऐसे इसमें हमें लगेंगे लगभग भी 1 घंटा लगेगा, शिकारी वाले रास्ते ये वाला रास्ता कवर करते 1 घंटा लगेगा। तो सामने आज बहुत ही मौसम थोड़ा नॉर्मल जैसा हो गया, क्योंकि बादल वगैरह चढ़ गए हैं आज, तो बहुत ही गड़बड़ हो गया मौसम का, क्या पता बारिश आती है अचानक, क्या पता वगैरह छाता वगैरह रखा हुआ है साथ से, सब कुछ रखा हुआ है। इधर पत्थर भी आते हैं ऊपर, यहाँ पे संभल करो, तेज चलना होगा। ये रोड बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पे आए, तो बहुत चेंजिंग हो गई रोड की। सो गाइस अभी हम सामने से आए, तो अभी हम पहुंचे हैं शिकारी के गांव में। तो नीचे से बहुत चढ़ाई चढ़ने के बाद मेरी सांस भी चढ़ गई हमें, तो नीचे बहुत चढ़ाई थी, चढ़ाई चढ़ने के बाद हम टॉप पे पहुंचे जिस जगह में हमने हेयर ऑयल लगाया था, अभी हम इस जगह पर पहुँचे। तो अभी यहाँ से आगे आपको नेक्स्ट वाला नाला दिखा लेंगे, तो कहाँ जाना है हमने, कश्मीर सिंह और अभी रुके नहीं, वो भी चल रहे हैं आगे आगे, दूर है हमसे, वो फ़ोन भी कर रहे हैं कि जल्दी आ जा। अभी हम पहुँच चुके हैं टॉप पे, ये देख सकते हो आप, ये रहा हमारा तहसील मोहर, मोहर की मार्केट है सामने दिखती है, हम अभी मोहर के लेवल पे पहुंचे घर से। तो ये सामने देख सकते हो आप, पीर पंजाल पूरा सामने दिख रहा है, हम अभी आए जो ये वाला आप एरो देख रहे हो, इस एरो से इस जगह से भी हमें इस वाली जगह से। तो गैस यहाँ पे अभी हम रेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, अगर रेस्ट किए तो टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम हो गया, अभी टाइम हो रहा है हमें लगभग 2 बजने वाले हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा लगभग भी 4-5 घंटे लगेंगे लगभग यहाँ से आगे। तो हम चलते रहते हैं आस्ता आस्ता, तो अभी ये वाला पूरा नाला क्रॉस करेंगे हम, ये वाला सामने, तो अभी हम आगे दिखाएंगे। तो यहाँ से आगे जो ये वाली जगह है, ये सामने जंगल जितना भी दिख रहा है ना ये आपको, ये वाला जंगल जितना भी दिख रहा है, इस जंगल से इतनी अच्छी अच्छी जगह, इतने अच्छे अच्छे एडवेंचर है, मतलब झरने रास्ता दरख्त वगैरह, मतलब जो भी है ना यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो हम रास्ते दिखाएंगे बिगड़ा, हम थोड़ा दिखाएंगे क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमने रात को शादी भी दिखानी है आपको, तो इसलिए हम शॉर्ट दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे पूरा, तो आप फुल इन्जॉय करके देखते रहना हमारा व्लॉग। सो गाइस प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, तो यहाँ पे मिल गया पानी, देख सकते हो कितना बढ़िया पानी है। तो कहीं मतलब ये बहुत पुराना पानी है, लगभग जब से मैं आ रहा हूँ लगभग 10 साल से, मतलब मेरे को जब भी याद है जहाँ पे आने की, तो ये वाला जो जगह है ना, ये पानी है, जो ये लकड़ी से पानी चल रहा है अभी भी, उसी लकड़ी से, तो अभी तक ये ना लकड़ी टूटी है ना सड़ी है, तो ये लकड़ी पानी झरने देख सकते हो यहाँ पे आप।
लगता है मैंने पानी वगैरह पी लिया। वैसे पानी ठंडा नहीं है, क्योंकि ये पानी जो है ना, नेचुरल जो पानी निकलता है वो पानी गर्मियों के दिनों में जो पानी होता है वो ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर्दी के टाइम पे गर्म है। गाइस बहुत बुरी कंडीशन से हम यहाँ पे पहुँचे थे, तो यहाँ पे पानी वगैरह फिर से मिल गया। यहाँ पे आने का एक मज़ा है ना, 2 किलोमीटर की दूरी पर पानी मिल जाता है, तो यहाँ पे फिर से पानी मिल गया। तो यहाँ पे एक बहुत पुरानी पत्थर की चीज़ें बनी हुई है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो थकने बहुत ज़्यादा आ गया, जो सुबह देखो 12 बजे हम चले घर से 12 बजे चले, तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 3:30, तो लगभग 3.5 घंटे हो गए हमें चलते। तो अभी हमें 1.5 घंटा लगेगा, लगभग 1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे पहुँचते। अब हम आपको दिखाते हैं गाइस जो यहाँ पे पत्थर के बने हुए हैं, जो चित्र बनाए हुए हैं पुराने लोगों ने, मतलब कि आज से लगभग 100 साल 200 साल पुराने पत्थर से बनाए हुए हैं, सदियों पुरानी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई। तो आपको दिखा लेते हैं, यहाँ पे पानी भी चल रहा है, पहले तो पानी पीते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। ओह पानी चल रहा है, ये भी पत्थर का बना हुआ है, ये पत्थर का बना हुआ, यहाँ से पानी चल रहा है। देख सकते किस तरीके से बनाया हुआ है। तो पहले हम पी रहे हैं पानी, गाइस हमने पानी वगैरह पी लिया है, तो अब आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे पानी तो नहीं चल रहा है इस पर, ये भी पत्थर से बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चित्र बनाया गया है, यहाँ से देख सकते हो आप ये वाला, ये देख सकते हो पूरा पत्थर का, ये कहीं बहुत ही सदियों पुराना है, बहुत पुराना है। तो गाइस यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, तो अभी भी भाई मेरा नहीं मिला, अजय नहीं मिल रहा, ना अजय मिल रहा है, ना कश्मीर से मिल रहा, क्योंकि बहुत रास्ता बहुत लंबा है। वो निकल गए, सुबह से निकले हुए थे, वो लगभग सुबह 10 बजे निकल गए थे, तो मैं सुबह 12 बजे निकला था घर से। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, तो अजय और भी मिल गए यहाँ पे। देख दो कितना टाइम हो गया, हमें लगभग इनको 1.5 घंटा हो रहा, 1.5 घंटा हो गया। तो यहाँ से हम जाएंगे, अभी मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे एयरो लगाया था, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से ये सामने वाला जो है ना, यहाँ पे जाना है, तो ये देख सकते हो यहाँ का व्यू, ये मोहर है सामने, ये मोहर का, और ये सामने धर्माड़ी देख सकते हो, ये धर्माड़ी, ये सुंगड़ी से लगभग 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है। तो हम सुंगड़ी से चल के हम अभी यहाँ पे आ रहे हैं, गाइस थक गए चल चल के, अभी हम पार से आए सामने, वो पार सामने से बहुत दूर से आए अभी हम चल के। तो सभी हम इकट्ठे चल रहे हैं। तो कश्मीर सिंह अभी कितना टाइम लगेगा हमें जाते? 1.5 घंटा और नहीं, झूठ बोल रहा है, 1.5 घंटा नहीं लगेगा, लगभग लगता है मुझे 40 मिनट लगेंगे बस। तो अभी गाइस कश्मीर सिंह और सभी मुंह धो रहे हैं, क्योंकि इधर रास्ते धूल बहुत ज़्यादा थी, धूल की वजह से इनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो ये साबुन वगैरह इन्होंने साथ लाया था, तो अभी मुंह धो रहे हैं। ये मेकअप वगैरह करेंगे ना, तभी जाएंगे फिर शादी में। तो गाइस ये मुंह धोने, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा थी रास्ते, तो इसकी वजह से आपने देख ही लिया कितना धूल थी रास्ते, रोड था, रोड में मशीनें वगैरह लगी हुई थी, इसकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा चढ़ गई। कश्मीर सिंह धोए अपनी धूल, धोली हाँ, बस अभी जा रहे हैं सभी, कश्मीर है, ओमकार है, अजय मेरा भाई, चलेंगे अब आगे। गाइस कश्मीर सिंह और चला गया दूसरे रास्ते से ऊपर वाले से, तो हम थोड़े नीचे से चले, क्योंकि राकेश ने फ़ोन किया अभी, इसने थोड़ा जल्दी स्पीड कर ली हमने, तो क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला थोड़ी देर में।
आपने व्लॉग देख ही लिया, तो आज दिन को हम बड़ी मुश्किल से घर से चल के हम इधर पहुँचे। तो वैसे लाइट वगैरह नहीं थी, हम लोग अच्छा नहीं बना पाए, फिर भी हमने एंड कर दिया व्लॉग। तो हमारे फ़ोन पे बैटरी बहुत कम है, हमने फ़ोन चार्ज लगाया, तो किसी के फ़ोन में व्लॉग ना आ रहे हैं, तो व्लॉग को एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको कल सुबह वाले व्लॉग में, हम कल सुबह जाने वाले रियासी में बारात के साथ बराबर वापस। चलो तब तक।